हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का लेसन नंबर 7 शुरू करेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? किसी भी पार्ट का एक हिस्सा। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, किसी भी पूरे भाग का एक कोई भी हिस्सा, चाहे वो हाफ हो, 1/4 हो, 1/3 हो, वो कुछ भी हो सकता है, आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे की तरफ लिखते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन कहलाता है वो। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1, फिल इन द ब्लैंक्स। 1/4 दिया हुआ है हमें, और ऊपर हमारे पास 4 है, नीचे हमें निकालना है नीचे का नंबर। तो 1 की टेबल में 4 कब आता है? 1/4 आर 4। तो जो ऊपर आप लिखोगे वही नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको ही। तो जैसे हमने यहाँ 4 से किया, तो हमने उसी को नीचे भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। 4/4 = 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। इसी तरह हमारा सेकंड हो जाएगा, 11 की टेबल में 33 कब आता है? 11 × 3 = 33, और वही 3 हमारा ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 × 3 = 27। इसी तरह अगला होगा 3 × 5 = 15, 5 से करेंगे, 4 × 5 = 20। 17 की टेबल में 51 कब आता है? 3 × 17 = 51। इसी तरह हम 3 को कर लेंगे, 8 × 3 = 24। 5 × 6 = 30, 7 × 6 = 42। जो आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 6 हमने कैसे निकाला? 30 से जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, तो इसीलिए हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। और यहां भी हमने ऐसे ही किया, 33 से आप 11 को डिवाइड किया हमने तो 3 आया, तो हमने 3 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह बाकी भी करेंगे। 81 की टेबल में आता है 9 × 9 = 81। 9 की टेबल में 9 × 9 = 81 होता है, तो ऊपर भी 9 से कर देंगे तो 9 × 1 = 9। तो ये इसी तरह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें आगे के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3, 2/3 हमें दिया हुआ है। अभी हमें से आगे के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नीचे आ रहा है हमारा 3, 6, 3 का टेबल चल रहा है, 9, 12, 15, 18 और 21। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि 1 से आपने 1/3 को पहले आपने 2 से किया, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 2, इसको पहले हमने 2 से किया तो आया 1 × 2 = 2, 3 × 2 = 6। फिर हमने 3 से किया, 3 × 3 = 9, 1 × 3 = 3। फिर हमने 4 से किया, 1 × 4 = 4, 3 × 4 = 12। इसी तरह हमने 5 से किया, 1 × 5 = 5, 3 × 5 = 15, 1 × 6 = 6, 3 × 6 = 18, 1 × 7 = 7, 3 × 7 = 21। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हो जाएगा 2/5 हमें दिया हुआ है और 4/10 दिया है। इसके आगे के हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो उसके लिए 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, 2 × 4 = 8, 5 × 4 = 20। ऊपर नीचे सेम नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 5 से करेंगे, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 2 × 6 = 12, 5 × 6 = 30। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 2 का टेबल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। यहाँ पे नीचे 5 का टेबल चल रहा है, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30।
तो इसी तरह आप अगला ये वाला कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम यही चल रहा है, थ्री का टेबल चल रहा है ऊपर, थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन, थ्री फोर जार ट्वेल्व, सेवन फोर जार ट्वेंटी एट, थ्री फाइव जार फिफ्टीन, सेवन फाइव जार थर्टी फाइव। इस तरीके से भी आप आगे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है अगर आप उसको सिंपल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, काटेंगे इसको, तो आपका आंसर 3/7 ही आएगा। इसको अगर लोएस्ट टर्म में लाना चाहेंगे तो इसको कट करके करेंगे हम, तो 3/7 ही हमारा आंसर आएगा। इसी तरह हो जाएगा, थ्री सिक्स आर एटीन, सेवन सिक्स आर फोर्टी टू। अगला भी इसी तरह हो जाएगा, 32, 64, 16, 32। ये रिवर्स चल रहा है हमारा, उल्टा चल रहा है ये वाला। तो 16 के बाद 8, उल्टा यहां से भी आप देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8 टू जा 16, तो 8 आ जाएगा, डबल हो रहा है यहां पे। 16 का डबल हुआ 32, 8 16 को हम हाफ करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को हाफ करेंगे तो 2, 2 को हाफ करेंगे तो 1। एक तो यहाँ पे रिवर्स चल रहा है हमारा, और नीचे हमारा नीचे भी रिवर्स चल रहा है। 64 का हाफ किया 32, 32 का 16, 16 का हाफ किया 8, 8 का हाफ किया 4, 4 का हाफ किया 2। तो हमारा सबसे जो लोएस्ट नंबर आ गया 1/2 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 हैविंग न्यूमरेटर 12। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 12 हो, तो इसके लिए आप 4/5 लिखेंगे और न्यूमरेटर हमें 12 चाहिए। तो 4 का टेबल में 12 कब आता है, 4 थ्री जार 12, तो न्यूमरेटर हमारा 12 आ गया। अब इसी 3 को नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 थ्री जार 15, तो हमारा आंसर आ गया 15। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा 24 है, तो 4 सिक्स आर 24, 4 को ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सिक्स आर 30, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर 40 दिया हुआ है हमें, डिनोमिनेटर 40 दिया हुआ है, तो 40 से 5 को डिवाइड भी करके देख सकते हैं आप कि 40 कब आता है 5 का टेबल में, 8 टाइम्स में आता है, 5 एट जार 40, तो 8 को मल्टीप्लाई किया, 4 8 जार 32, तो आंसर आ गया हमारा 32। इसी तरह न्यूमरेटर 28 दिया हुआ है, तो 4/7, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 28 आएगा न्यूमरेटर हमारा, तो 7 को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जार 35, तो आंसर आ जाएगा हमारा 35। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/80 हैविंग न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर 28। तो यहां पे हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है 7, फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है 56/80, तो 56/80 यहां पे लिखेंगे और 7 हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो 7 की टेबल में 56 कब आता है, 7 8 जार 56, तो हमने 56 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 7। अब उसी 8 को आप 80 से डिवाइड करोगे, तो 80 से हमने 8 को डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 10, तो हमारा आंसर आ गया 7/10। इसी तरह हम अगला देखेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास है 20, डिनोमिनेटर गिवन है 20, 56/80 हमारे पास दिया हुआ है, तो 20 की टेबल में 80 कब आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो 4 से हमने 80 को डिवाइड किया तो हमारे पास 20 आया, तो उसी 4 को हम 56 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो कि 20 की 4 से अगर 80 आया है तो 56 से हम अगर जो 4 करेंगे उल्टा चलेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, पर ये आपका सिंपलेस्ट तरीका है, तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो आंसर। इसी तरह ये नेक्स्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारे पास 28 गिवन है, 56/80, तो 28 टू जार 56 होता है, तो 2 से हमने 80 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 40।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, आर टू फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट राइट येस और नो। ये दोनों फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, क्या ये बराबर हैं या नहीं आपको येस और नो बताना है। तो उसके लिए आपको ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट है 2/5 एंड 18/40। तो हमने इसको कट करके देखा 9 की टेबल में, 2 से पहले करा हमने, 2 9s are 18, 2 2s are 4, तो 9/20 आ गया। अब 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 9 आता है पर 20 नहीं आता, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसी तरह 3/7 एंड 18/42, इसको हमने करके देखा तो 6 3s are 18 और 6 7s are 42, तो ये 6 से दोनों 6 की टेबल में आते हैं तो ये इक्विवेलेंट होगा, यस। नेक्स्ट है 16/25 एंड 3/5, इसको हमने करके देखा तो 4 4s are 16 और 5 4 की टेबल में 25 नहीं आता, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, इसका आंसर होगा नो। इसी तरह अगला हो जाएगा 2/7 एंड 14/49। 2/7 को हमने 14/49, तो 2/7 इज इक्वल टू 14/49, इसको करके देखा 7 2s are 14, 7 7s are 49, तो 2/7 इक्वल हो गया ये, तो ये होगा। इसी तरह अगले हैं ये 5/8 एंड 20/40 इज इक्वल टू 5/8, बट 4 की टेबल में 20 और 40 आते हैं, पर हमने इसको करके देखा तो ये इसे इक्विवेलेंट नहीं हुआ, 5 4s are 20, 5 8s are 40, तो ये 4/8 हुआ, ये 5/8 है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट है 4/11 एंड 12/33, तो 4/11 इज इक्वल टू 12/33 को हमने करके देखा, 3 4s are 12 और 3 11s are 33, तो ये होगा, यस। रिड्यूस ईच फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखना है, इसको रिड्यूस करेंगे हम फ्रैक्शन को, तो इसको चलिए करके देख लेते हैं सॉल्व करके। रिड्यूस ईच फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, 5/15 दिया हुआ है हमें, तो 5 की टेबल 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो 1/3 ये आंसर आ गया। इसी तरह 18/27, दोनों सेम टेबल्स में आने चाहिए तभी उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, जैसे 9 2s are 18, 9 3s are 27, तो 2/3 आंसर हो गया इसका। इस तरह 20/40 को करेंगे, 10 2s are 20, 10 4s are 40 और 2 1s are 2, 2 2s are 4, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 20 2s are 40, 21s are 20, 22s are 40, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसे, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1/2। इसी तरह 8/32, 8/32 को 8 1s are 8, 8 4s are 32, तो रिड्यूस होके आंसर आ गया हमारा 1/4। इसी तरह ये अगला हो जाएगा 9/81, 9/81 1/9 हो गया, तो 9 1s are 9, 9 9s are 81, तो रिड्यूस होके आंसर आ गया हमारा 1/9। नेक्स्ट हो जाएगा 25/100, तो 25 1s are 25, 25 4s are 100, आंसर आ गया 1/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एच, सॉल्व देन राइट द आंसर इन द लोएस्ट टर्म। इसको पहले आपको सॉल्व करके देखना है, फिर इसको लोएस्ट टर्म में इसका आंसर निकालना है। जैसे 6 hours is - of a day, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 hours 24 घंटे का कितना हिस्सा होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 hours is 1/4 of a day, 1/4 कैसे आया, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है, 1 day में 24 घंटे होते हैं, तो 6/24 किया हमने, 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो 1/4 आ गया, एक दिन का एक चौथाई हिस्सा, मतलब 1/4 भाग 6 hours होता है। 50 paise is ½ of a rupee, तो हाफ कैसे आया, 1 rupee में 100 paise होते हैं, तो 50 paise upon 50 paise हमने यहाँ पे लिख लिया, अपॉन 100 इज इक्वल टू 50/100, इसको 51s are 50, 52s are 100, तो 1/2 हो जाएगा ये, तो हाफ हो गया। इसी तरह 250 grams is 1/4 of a kg, 1 kg का 250 ग्राम कितना हिस्सा होता है, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 250 grams upon 1000 किया हमने, 251s are 250, 4s are 1000, तो 1/4 आ गया, मतलब एक चौथाई हिस्सा होता है 250 ग्राम्स। 100 meters is 1/10 of a kilometer, 100 meter 1 किलोमीटर का कितना हिस्सा होता है,
तो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर्स होते हैं, तो 100 मीटर अपॉन 1,000 मीटर, जब इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा, ये 0,0 कैंसिल हो जाएगा, 1,0 बचेगा, मतलब 1/10 किलोमीटर्स मीटर वाला आप लोगों ने थर्ड क्लास में भी पढ़ा है, तो ये आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 25 पैसा इज 1/4 ऑफ अ रूपी, तो 25 पैसा 1 रुपए में कितना हिस्सा होगा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है 1 रुपी में, तो 25/100, तो 25 × 25, 25 × 4 = 100, तो 1/4, 25 पैसा 1 रुपए का 1/4 भाग होता है। इसी तरह 500 ml इज हाफ ऑफ अ लीटर, 500 ml 1 लीटर का कितना हिस्सा है, तो 1 लीटर में 1,000 ml होते हैं, तो 500/1,000 हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर है हमारा 1/2, तो 500 मीटर इज हाफ ऑफ अ लीटर। आपको इसी तरह ये कॉपी में भी सॉल्व करने हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर दिस क्वेश्चन बाय राइटिंग अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखना है आपको। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास 10 आर गर्ल्स, राइट द गर्ल फ्रैक्शन ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स का हमें फ्रैक्शन लिखना है, मतलब 40 स्टूडेंट है क्लास में, उसमें से 10 लड़कियां हैं, तो कितने फ्रैक्शन हो जाएंगे 10/40। आप इसको सिंपलेस्ट भी कर सकते हो, तो ये 1/4 भी हो सकता है, 4 भी लिख सकते हो इसको आप लोग। इसी तरह नेक्स्ट हो जाएगा, रहमान स्लीप्स 8 आवर डेली, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डे डज ही स्लीप। अगर जो रहमान 8 घंटे सोता है डेली, तो क्या फ्रैक्शन होगा वो, तो 8/24 आप लिख लेंगे इसे, तो 8 के टेबल में 24 कब आता है, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, तो मतलब 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, 1/3। इस तरह नेक्स्ट हो जाएगा, वेंकट गॉट 80 marks out of 100, 80 मार्क्स आए उसके किस में से, 100 में से, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा, 80/100 को आप लोग यहाँ सॉल्व करके भी देख सकते हो, 0,0 कैंसिल हो गया, तो 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, तो आंसर हो जाएगा 4/5, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 4/5। तो 7.1 एक्सरसाइज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।